हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस में। एक नई नोटिस आ रही है, नोएडा मेट्रो में निकली है बम्पर भर्ती, सभी ग्रेजुएट आज ही आवेदन करें। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरी सिस्टर का चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका उद्देश्य है चैनल से जो भी इनकम होगी उसको गरीबों में मदद करने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या है पूरा उसका कैटेगरी और क्या है एक पूरा क्राइटेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, NMRC में नौकरी के लिए 21 तक आवेदन, www.nmrcnoida.com में आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक की डिग्री जरूरी। चलिए देखते हैं क्या है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 199 पदों पर नौकरी पाने का मौका है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। लोग 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इनमें स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट आदि के पद हैं। इन पदों पर 18 से 32 वर्ष के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। NMRC सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो संचालन कर रही है। अब जिले में जिस भी मेट्रो लाइन का काम होगा उसका जिम्मा NMRC के पास होगा। अब सेक्टर 51 में नोएडा तक चल रही मेट्रो ऑफिस व अलग अलग पदों के लिए NMRC ने नौकरियां निकाली हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं इनमें स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स में जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर, फिटर, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनर रेफरी और AC मैकेनिक, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के अलावा अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट आदि के पदों पर बम्पर नौकरियां निकाली गई हैं। सबसे ज़्यादा मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के 90 पद हैं। इनके अलावा मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के 30 व कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के पद पर 14 पद हैं। NMRC प्रवक्ता संध्या शर्मा ने बताया कि 22 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जिनमें 21 अगस्त तक फॉर्म भरा जा सके। चलिए और देखते हैं इसे और डिटेल थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 तारीख से एप्लीकेशन बिगिन है, 21 अगस्त लास्ट डेट है। और आपका फीस कितना है, जनरल OBC WS की 675 है, SC ST PH की 500 है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन कंट्रोलर के टोटल 9 पद हैं। बैचलर डिग्री साइंस में या इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका अगली भर्ती आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर रिलेशन के कुल मिला के 14 पद हैं जिनमें आपके बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं, इसमें इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर में आपके 4 पद हैं, इसमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के 15 पद हैं, इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपके 4 पद हैं, इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। मेंटेनर फिटर की यहाँ पे 10 पद हैं, यहाँ पे ITI या NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के कुल 30 पद हैं, इसमें ITI NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक के आपके 90 पद हैं, यहाँ पे ITI इन TV एंड रेडियो आपका होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के कुल मिला के ये 3 पद हैं, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom या आपके पास CA पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट में BBA या BCA डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 1 पद है। चलिए डिटेल में हम नोटिफिकेशन भी देखते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे आपकी यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं स्टेशन कंट्रोलर का रिजर्व अलग अलग है, यहाँ पे एज डिक्लेरेशन है, सैलरी आपकी फिक्स्ड है, यहाँ पे 5% आपका इंक्रीमेंट है प्रमोशन के आधार पे। आपको एडिशनल फैसिलिटी मेडिकल इंश्योरेंस का 2 लाख का दिया जाएगा, सेल्फ एंड स्पाउस ओनली। उसके बाद आप एसिडेंशियल एंड नेचुरल डेथ कवरेज 10 लाख आपका। आई इसमें जो होगा आपका साइको टेस्ट होगा और A1 स्टैंडर्ड आपका मेडिकल होना चाहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग है, सैलरी यहाँ पे दी हुई है,
जूनियर इंजीनियर 35,000 है। स्टैंडर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड जूनियर इंजीनियर लगभग 35,000 इंजीनियर पदों पे है। मेंटेनर की 25,000 सैलरी है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका। उसके अलावा आपका अकाउंट असिस्टेंट में आपका 30,000 सैलरी है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंट 5% है, बाकी सारी फैसिलिटी वही है। C1 स्टैंडर्ड आपका मेडिकल होगा GT, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमार्क, यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू या आपका GT हो सकता है इसमें, लास्ट के अकाउंट असिस्टेंट के पदों पे हो सकता है पर्सनल इंटरेक्शन और GT यानी कि इंटरव्यू, सारी फैसिलिटी वही है। सैलरी में डिफरेंस हो जाता है, 30,000 30,000 इसमें होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वैल्यू, कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन एलिजिबिलिटी बट मनी फॉर ईच इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट सेपरेटली। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन एक पोस्ट से आप अधिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एप्लीकेशन मनी ईच पोस्ट के लिए आपको अलग अलग देना पड़ेगा, यानी कि आप दो पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं आपको 1,000 रुपये आपका दो दो फॉर्म की तरह पैसा लगेगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल चीज़ें वही हैं। जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूटी आप यहाँ पे 8 से 12 घंटे की रहेगी आपकी, यहाँ पे दिया है। जूनियर इंजीनियर अकाउंट असिस्टेंट में क्या है कि देखिए आप कंप्रोमाइज लुकिंग आफ्टर जनरल इस्टेब्लिश मैटर HR मैटर स्टोर सिटी बस इस्टेब्लिश एक्सपेंडिचर बजट सैलरी बिल्स इस पर इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपका क्वालिफिकेशन किस बेस पे होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। अलग अलग भर्तियों के लिए यहाँ पे देखिए, कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए कंप्रोमाइज टेस्ट 2 पेपर होंगे, साइको टेस्ट क्वालिफाई होगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपका मेथोलॉजी रिटर्न टेस्ट में 2 पेपर होंगे, उसके वाला स्किल टेस्ट होगा। I1 कैटेगरी नॉट बिलो I3। यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास 2 पेपर सब में होंगे लगभग, उसके बाद आपका एक अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होगा सभी सभी भर्तियों के लिए। तो आप देख सकते हैं आपका रिटर्न टेस्ट यहाँ के बारे में दिया गया है कि आपका 2 पेपर होंगे, हेल्ड एक ही दिन में होगा। पेपर 1 विल बी कंसिडर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप बाइलिंगुअल आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस लॉजिकल क्वांटिटेटिव आपका सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। देयर विल बी 90 क्वेश्चन ईच करेंगे इक्वल मार्क्स, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर यूली 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 2 में नॉट फॉर मेंटेनर पोस्ट, यहाँ पे पेपर 2 में नहीं रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर का आपका दूसरा पार्ट 30 सेकंड का रहेगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे जनरल इंग्लिश क्वालिफाई इन पेपर 2 जनरल इंग्लिश टू बी इवेल्युएटेड फॉर पेपर एक्सेप्ट फॉर मेंटेनर, यहाँ पे दिया रहेगा। पेपर 1 पर्सनल इंट्रैक्शन, देयर विल बी नो पेपर मेंटेनर ट्रैक मेंटेनर में आपका कोई भी दूसरा पेपर नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन आप समझते ही हैं कितना मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया है चीज़ों को, आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में अगर आप अप्लीकेशन भरना चाहते हैं तो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये रही अपडेट, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।